फाइव के बारे में क्या कहना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सब जैसा कि अभी अभी श्याम जी ने भी बताया और हमने भी देखा, ये तीनों अंक वाकई हम सब के लिए बहुत पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं, और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन तीन अंकों से जो हमें प्राप्त हुआ, यानी रामलला का मंदिर, वो मंदिर हमारे लिए सदा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। हम उससे श्री राम के जो मूल्य है, जीवन के मूल्य है, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहां तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नजदीक होने के कारण इसे करने का, जब किसी चीज को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है, एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं, प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार, इससे हम जुड़े हैं, ये था हमारे मन का काम, तो वो इस फिल्म को करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर मैं आपको सब बताऊं, मैंने भी दिखा है, इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर ये बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नजदीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा, और आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके बीच एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है, ताकि ये जय घोष केवल किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहाँ भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहां तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही हैं कि ये जो एक जन जागृति हुई है, ये धीरे धीरे हुई है, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी, ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है, और ये हुआ है राम मंदिर के कारण, बेसिकली क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो हैं, इस सारे श्रेय का जो, इस सारे बात का जो श्रेय है, वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है, और धीरे 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 जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, ढाई साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई, और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई, लेकिन बेस इसका मंदिर है, इस जन जागृति का। टोटली पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था इतने दिन से भी। जैसे पहला जो 6 तारीख जो है 695 का जो 6 है, वो 1992 का है, उसके बाद 9 कब आया, 1919 में,
आप देखिए 1928-27 साल बाद, तो 27 साल में उस तरह की जनजागृति नहीं थी लोगों के मन में, तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती, अब वो आग बनी लेकिन पॉजिटिव रूप में, निगेटिव आग नहीं बनी वो, ये पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को हमारी संस्कृति से जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति वो एक ही बात होती है, पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है, वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता। हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी इससे अलग नहीं होंगे। सर एक प्रश्न है, राम का जमाना पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब आपका रामायण सीरियल आता तो मैंने देखा लोग भगवान का फोटो लगा के सारे काम छोड़ के लोग बैठ जाया करते थे, वही सेम दौर आज भी चल रहा, मगर थोड़ा सा जन जागृति आया है और जो रोल आपने किया है, जो चरितार्थ किया आपने रोल में, वो सर दूसरा कोई नहीं कर सकता ना कर पाया। उसके बारे में और आज के बारे में क्या कहना चाहिए, और रणजन भूमि का उद्घाटन भी होने वाला है, आप जा रहे हैं। देखिए जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि उस समय भी यही होता था, आज भी यही है। लेकिन आज जन जागृति बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी बात है ये। जहाँ तक मेरी जो आपने तारीफ़ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतनी तारीफ इतने साल बाद, 87 में रामायण रिलीज हुई थी, आज 2024 कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो यह अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे और उसने मुझे ये काम दे दिया, ये मैंने नहीं किया है, इसमें कुछ भी मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब राम जी का काम है। जी मैंने जैसे अभी कहा ये डेस्टिन्ड था मेरे लिए, इसलिए कि मैं रामानंद सागर साहब के साथ पहले भी काम कर रहा था रामायण से पहले, मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी और एक सीरियल किया था विक्रम और वेताल, वेर आई प्ले विक्रम। सो जब ये पता लगा कि रामायण वो बनाने जा रहे हैं तो मेरे मन में ये आया था कि मैं भगवान राम का चरित्र करूं। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा मुझे भगवान राम का चरित्र करना है। तो वो छोटा पतला चश्मा लगाते थे बिल्कुल ऐसे ऐसे मुझे देखा दो तीन बार ऊपर से नीचे, ठीक है जब समय आएगा तब बताएंगे आप। समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया, आउटराइट। मुझे ये कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, ये रोल भी बहुत अच्छे हैं। पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था मुझे रामायण में कोई भी, मुझे श्री राम का चरित्र करना था, जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, मैं अगर नहीं हूँ इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को मैंने सुना था ऐसा कि सेलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता हूँ फिर भी कोशिश करता हूँ, कि अरुण साड़ी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपके पास यही अर्जी लेकर आया था, आपने मुझे वापस बुला लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डेस्टिन्ड था बिल्कुल, उसके बाद जो भी कुछ हुआ है। अच्छा उस समय माइथोलॉजी
में काम करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। मैं आई वॉज वेरी बिजी इन फिल्म्स दोज़ डेज़, कमर्शियल फिल्म्स करता था मैं। मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था और रामायण का पायलट बना 85 या 86 में। तो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कोई प्रोफेशनली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे मेरे फैमिली ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिल्मों में काम कर रहे हो, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में करते हो, तुम्हारे करियर में गड़बड़ जाएगी, तुम माइथोलॉजी करोगे। तो अच्छा ये भी नहीं पता था कि रामायण इतनी बड़ी हिट होगी, इस बात का तो अंदाजा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे मन में आया है और मुझे ये अब मिल गया है तो आई विल डू इट, और मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ दैट्स अ हिस्ट्री। किसी इंसान के बारे में अच्छी बातें जो है वो भी तो कही जा सकती हैं। कि जरूरी है कि जो बातें डिबेटेबल हैं वही सामने लाई जाए। ये जिस इंसान, जो इंसान ऐसी बातें कहता है, ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करता। उसको किसी भी तरह से निगेटिविटी पैदा करनी है अपने स्वार्थी रीजंस के लिए। ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, हमेशा रहेंगे। क्यों? इसलिए कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता ही होता है, आप अलग नहीं कर सकते दोनों। ये हमारे ऊपर है। आज हमारे माता पिता होते हैं या हमारे बड़े होते हैं, हम उनसे अच्छी बातें लें या उनकी कमजोरियां लें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इज एज सिंपल एज दैट। हमें अपना जीवन किस तरह जीना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हम उन बातों को न देखें या न सोचें जो डिबेटेबल है।